हेलो, मैं रश्मि और आप देख रहे हो मेरा ट्रैवल ब्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि राजधानी फर्स्ट एसी ट्रेन में केबिन कैसा होता है, जिसको आप फैमिली रूम भी कह सकते हो। रेलवे की भाषा में इसको सिंपल केबिन बोलते हैं, केबिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और भी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कूप पे एक ब्लॉग बनाया था, उम्मीद है आप लोग सब उसको देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे, या वीडियो के लास्ट में थंबनेल में है। राजधानी फर्स्ट एसी का केबिन के बारे में जानने के लिए, या फिर जिसको कह सकते हैं फैमिली रूम के बारे में जानने के लिए, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। ये मेरे लास्ट ब्लॉग का क्लिप है जिसमें मैं और सानवी दोनों मस्ती कर रहे हैं। हम लोग कपल थे इसलिए हम लोग ने कूप बुक कराया था। अगर आप चार लोग ट्रैवल कर रहे हो, या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या चार फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोग केबिन बुक कर सकते हो। याद रहे, केबिन चार पैसेंजर का चार बर्थ होता है। तो बिना समय गवाए चलो चलिए देखते हैं राजधानी फर्स्ट एसी ट्रेन का केबिन कैसे होता है, या जिसको आप बोल सकते हो फैमिली रूम कैसा होता है। तो ये रहा केबिन। जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो उस टाइम अदर पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा था तो रश बिल्कुल नहीं था। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, इसमें चार बर्थ रहते हैं, दो इधर, बीच में स्पेस भी है, और स्टेप्स दोनों तरफ स्टेप लगे हुए हैं। आपको ऊपर वाले बर्थ में आराम से जा सकते हो, और दरवाजे पे कुंडी भी है, अच्छे से गेट भी लॉक हो जाएगा, आप बहुत सिक्योर हो, बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं होगा। और हर सीट के ऊपर एक एक लाइट है, आप उसे यूज कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से, और स्पेसियस भी है, बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकते हो, बहुत बहुत स्पेस है, बच्चे भी खेल सकते हैं। दरवाजे में कुंडी लग जाती है, गेट लॉक हो जाता है बाहर से, नो कनेक्शन। अगर आप लोग चार लोग ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो बाहर से व्यू केबिन। अगर आपको जानना है कि केबिन या कूप कैसे बुक कर सकते हैं, तो फिर ऊपर एक लिंक आ रहा है, मैं दे रही हूँ, तो उसके फटाफट क्लिक करें। तो चलिए मैं आपको आप कॉरिडोर का व्यू दिखा देती हूँ फर्स्ट एसी राजधानी का। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, डिफरेंट कलर लाइट आते हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज इस ट्रेन में बताती हूँ। यहाँ पे एक नहाने का भी रूम है, शावर रूम भी कहते हैं उसको। यहाँ पे गर्म पानी ठंडा पानी दोनों आता है, तो जिसको गर्म पानी से नहाना है गर्म पानी से नहाओ, जिसको ठंडा पानी से नहाना है ठंडा पानी से नहाओ, दोनों का फैसिलिटी है। और एक खास बात, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए रहते हैं, तो आप बहुत सुरक्षित महसूस कर सकते हो यहाँ पे। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, बाय।